अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऑब्वियसली फिजिक्स तो हमारी आसपास की दुनिया को समझने का नाम है। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करेंगे फ्लूइड्स की। और इस चैप्टर में और क्या क्या देखना है, जैसे देखिए आपके जहन में कई सवाल आ चुके होंगे अभी तक। एक सवाल सिंपल ये है कि क्या रीज़न है कि नीडल हमारे बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है, अलबत्ता सेम फोर्स अगर मैं मार्कर पर करूँ तो मार्कर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, सुई अंदर चली जाती है, मार्कर नहीं जा पाता। हम अगर इस मार्कर को पानी के अंदर डालेंगे, अगर ये लोहे का बनाओ, प्लास्टिक का है, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा हो, जैसे लोहे का मार्कर बना हुआ है, लोहे का इतना टुकड़ा है, अगर उसको पानी के अंदर डालेंगे तो इट विल सिंक, वो अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। तो क्या रीज़न है कि लोहे की इतनी बड़ी शिप, क्रूज शिप, पूरा का पूरा शहर जिसमें समा जाए, वो पानी के ऊपर तैरने लगती है? आपने वो कार को लिफ्ट करने का हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी है, उसमें इतनी पावर होती है कि वो पूरी की पूरी कार को लिफ्ट कर लेती है। जैसे आपने जेसीबी वगैरह तो देखे होंगे, जेसीबी वगैरह के अंदर क्या होता है कि वो मशीन इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक दें, इतने बड़े बड़े गड़े कर दें। इतनी पावर आती कैसी है? क्या वो पेट्रोल से चलती है? पेट्रोल से सिर्फ उसका इंजन चलेगा, अलबत्ता जितने मैकेनिज्म्स वो करती हैं वो सारा का सारा फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह जितने वॉल्व हमारे आसपास है, देखो हम ना फ्लूइड से आसपास की पूरी दुनिया के अंदर घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड है। मैं इनहेल एक्सहेल कर रहा हूँ गैसेस, गैसेस आर फ्लूइड्स। मेरे आसपास की पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर में एयर ही भरी हुई है, एयर भी तो एक फ्लूइड है, मेरे अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंजन्स में पेट्रोल है, वो भी एक फ्लूइड है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, वो भी फ्लूइड है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे आसपास की दुनिया में देखते हैं, कई सवाल है जो हमारे सामने आते हैं फ्लूइड से रिलेटेड। तो आइए हमारा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह धीरे 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 ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न है कि जब हवाएं तेज चलती है तो रूफ उड़कर चला जाता है, पर टीन होते हैं ना घरों के ऊपर, वो टीन उड़कर चले जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो एयरप्लेन फ्लाई करता है, एरोडायनामिक्स के अंदर कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं। क्या आपने कभी सोचा, ये मान लो हमारा एयरप्लेन है, एयरप्लेन के यहाँ पर दो इंजन्स लगे हुए होते हैं, वो इंजन का काम क्या, वो इंजन सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाता है जिस तरह गाड़ी का इंजन, तो वो फ्लाई कैसा होता है, उड़ता कैसे है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके जहन में कई मरतबा आ चुकी होंगी। बिल्कुल फिक्र ना करें, इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह धीरे धीरे उस एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक एक बात को समझाने की कोशिश करेंगे और दुनिया को समझने का और उसको मजा लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका हमारे सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की शक्ल में। चलिए इस चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड यानी क्या? आमतौर पे हमारे जहन में ये आता है फ्लूइड मीन्स वाटर। बिल्कुल सही है, फ्लूइड वाटर है, अलबत्ता सिर्फ वाटर ही फ्लूइड नहीं है, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की एक एग्जाम्पल वाटर है, अलबत्ता वाटर पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे फ्लूइड्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। सो दिस सब्सटेंस विच कैन फ्लो, दिस सब्सटेंस विच कैन फ्लो or having ability to flow, or having ability to flow is called fluid. वो substance जो flow होता है या जिसके अंदर इस बात की सलाहियत है कि it can flow, जो flow हो रहा है या वो stationary है but it can flow, जैसे अगर किसी container के अंदर कोई भी liquid रखा है, liquid in the form of water है, in the form of milk है, oil है, petrol है, whatever it may be liquid है, चाहे वो आयरन का ही मोल्टन स्टेट क्यों ना हो, लिक्विड है, किसी कंटेनर के अंदर भरा है, तो क्या वो फ्लो हो रहा है? वो तो फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इट हैज एबिलिटी, अगर उसको हमने फ्री कर दिया तो इट कैन फ्लो, वो फ्लो हो सकता है, लेकिन अभी फ्लो नहीं हो रहा है। तो वो सब्सटेंस जो फ्लो हो रहा है, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, वाटर को कंटेनर में रख लो, वो अभी फ्लो नहीं हो रहा है, बट इट हैज एन एबिलिटी, इफ वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स टू द अपर लिम, देन इट कैन फ्लो इजीली। अगर वो फ्लो होता है या उसके पास एबिलिटी है फ्लो होने की, ऐसे तमाम सब्सटेंस को हम फ्लूइड्स कहेंगे। समझ आई बात? तो फ्लूइड तो समझ आ गया। फ्लूइड के एग्जांपल्स, सॉलिड क्या फ्लो होता है? अगर मैं, ये हमारा मार्कर है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो ये मूव होता है, फ्लो नहीं होता। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने जहन में लेकर आई। लेट अस कंसीडर दिस इज द सॉलिड। हमने क्या किया, इस सॉलिड को फोर्स अप्लाई किया, हमने सॉलिड को फोर्स अप्लाई किया, यहाँ फोर्स अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो,
रिजल्ट एक ही होगा, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल की कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं हुआ करती, तो इट विल चेंज इट्स पोजिशन एंड इट विल मूव टू अ न्यू पोजिशन लाइक दिस, वो एक नई पोजिशन पर चला जाएगा। दिस इज द मूवमेंट नॉट अ फ्लो, ये मूवमेंट है, फ्लो नहीं है। लेट कंसीडर हमने किसी कंटेनर में लिक्विड लिया है, ये हमारा लिक्विड का ही एक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो खुद ब खुद फ्लो होने लगता है। हमने क्या किया, इसके अपर लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई की, हमने इसके अपर लेयर पर फोर्स अप्लाई की, तो क्या होगा, ये अपर लेयर नीचे जाने लगेंगी, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह डिफॉर्म हो जाएगा और ये आगे कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। दिस इज द फ्लो, ये फ्लो है, जैसे वाटर, वाटर की ऊपर की लेयर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, आगे जा रही है, ये फ्लो नहीं है। बॉडी का एज अ होल मूव करना फ्लो नहीं कहलाएगा, बॉडी का नीचे के पार्टिकल अपनी तरफ अपनी जगह पर है, ऊपर के पार्टिकल आगे 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 जा रहे हैं, जैसे शेयर डिफॉर्मेशन, ये चीज फ्लो कहलाती है। तो क्या सॉलिड में फ्लो होता है? नहीं, सॉलिड में तो डिफॉर्मेशन होता है, शेयर डिफॉर्मेशन कहेंगे, ऊपर की चीज पर फोर्स अप्लाई कर लो, शेयर डिफॉर्मेशन हुआ, वापस आ गया। सॉलिड में फ्लो नहीं होता है, फ्लो कम ही होता है, क्या लिक्विड में होता है? जी बिल्कुल, तमाम लिक्विड फ्लो की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, गैसेस भी फ्लो की प्रॉपर्टी दिखाती हैं। आप किसी गैस को, गैस बर्नर को ओपन कर लो, वो गैस खुद बहुत फ्लो होने लगेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये चीज जो फ्लो होती है, तो फ्लूड्स की एग्जांपल, दो बेसिक एग्जांपल्स हैं फ्लूड्स की। सबसे पहले तो फ्लूड की एग्जांपल के अंदर आएगा गैसेस और लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस। All liquids and gases are fluid. तो fluid तो समझ आ गया, fluid क्या चीज़ है। अब देखिए fluid की study करना it's very interesting but it's very complex also. बहुत interesting चीज़ है, हमारे आसपास की दुनिया में नजर आने वाली, अलबत्ता complex भी है। इसलिए इसका behavior बहुत ही randomly change होता है, unpredictable behavior होता है इसका। जैसे आप मान ले किसी waterfall के पास हैं, वाटरफॉल से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब किसी पार्टिकल को इमेजिन करो जो वाटरफॉल के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या आप उसका मोशन ट्रेस कर पाएंगे? क्या उसका मोशन किसी लीनियर लाइन में होगा या रैंडम होगा? उसका मोशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। इट कैन बी लीनियर फॉर्म, इट कैन बी इन द राउंड फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म हो सकता है, वो चलते चलते अपना रास्ता बदलकर फोर्सेस लग रहा है उस पर, उसका मोशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इस वजह से फ्लूइड की स्टडी काफी मुश्किल हो गई, फ्लूड की स्टडी काफी मुश्किल हो गई। इसलिए हमने क्या किया, फ्लूड को आइडियल फ्लूड माना। जैसे देखिए हर टीचर का एक आइडियल स्टूडेंट होता है, जैसे हमको लगता है कि स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को लगता है कि टीचर ऐसा होना चाहिए, अलबत्ता हमको भी आइडियल स्टूडेंट नहीं मिल पाता, आपको भी आइडियल टीचर नहीं मिल पाता, हम दोनों भी एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, अलबत्ता मानते हैं कि हाँ भाई आइडियल इंसान ऐसा होता है। जैसे दुनिया में सिर्फ हम भी आइडियल है, सहाबा ऐसे हैं जिनकी गलतियां को अल्लाह ने माफ किया, और हम सब खताकार हैं, सबसे गलतियां होती हैं, तो एक दूसरे को एडजस्ट करके लेकर चलना है। तो हमने क्या किया, आइडियल फ्लूड माना, ऐसा फ्लूड जिसमें हमारी पसंद की सारी क्वालिटीज थी। जैसे हमारा पसंद का इंसान आइडियल पर्सन, जिसमें हमारी पसंद की सारी क्वालिटीज थी, हम चाहते हैं कि वो सारी क्वालिटीज हो, क्यों हो नहीं, ताकि हमको फ्लूड की स्टडी आसान हो सके। इसलिए हमने फ्लूड को आइडियल फ्लूड माना। आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल फ्लूड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, आइडियल फ्लूड की कुछ प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट्स इनकॉम्प्रेसिबल। इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रेस, इनकॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस का अपोजिट होगा इनकॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल समझ लेते हैं, कॉम्प्रेस के माने का आप लोग बता सकते हैं, जैसे आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्लास 11 में पढ़ लिया है, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन वगैरह आप लोग जानते हैं, थर्मल एक्सपांशन भी आपने पढ़ा। कॉम्प्रेशन मतलब क्या, किसी बॉडी के वॉल्यूम को कम किया जाना, मतलब वो कॉम्प्रेस हो रहा है। जैसे मेरे हाथ में बॉल था, मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया, उसका वॉल्यूम धीरे 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 कम हो रहा है। बलून को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ये है कॉम्प्रेशन। इनकॉम्प्रेसिबल के माने क्या है, इसके माने ये है कि वो कॉम्प्रेस नहीं होता, वो कॉम्प्रेस नहीं होता, वो दबता नहीं है। अच्छा, इसके माने क्या, जरा समझो, किसी सब्सटेंस को कॉम्प्रेस करना है, मतलब उसका वॉल्यूम कम करना है, मतलब उसके सब्सटेंस है, मतलब मैटर से मिलकर बना है, मैटर मतलब एटम्स है ना, एटम्स 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 सारे एटम्स थे, मैंने उन एटम को फोर्स अप्लाई किया, तो एटम के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस था, अगर वो कम हो रहा है, अगर वो कम हो रहा है, तो उसके माने क्या है कि वो सब्सटेंस कॉम्प्रेस हो रहा है। मतलब कॉम्प्रेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि दो मॉलिक्यूल के बीच की इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होना चाहिए।
इनकॉम्प्रेसिबल के माने क्या, कि हम सब्सटेंस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट वो कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। इससे यह समझ में आ रहा है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर कम नहीं हो रहा तो दैट लिक्विड विल कॉल्ड इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की, जो हम चाहते हैं कि ऐसा फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, कि वो इनकॉम्प्रेसिबल हो। अलबत्ता ऐसा मिलता नहीं है, हर फ्लूइड कुछ ना कुछ कॉम्प्रेसिबिलिटी दिखाता है, अलबत्ता हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इट इज इनकॉम्प्रेसिबल ताकि कैलकुलेशन हमारे आसान हो जाए। दूसरा, इट इज इररोटेशनल, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररोटेशनल? देखिए, ये एक फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लो हो रहा है तो उसने सीधा जाना चाहिए, चाहे ऐसा जाओ चाहे ऐसा जाओ, वो रोटेट होते हुए नहीं जाना चाहिए। मतलब ये फ्लूइड पार्टिकल है तो ऐसा जाए, वो रोटेट होते हुए ना जाए, क्योंकि अगर वो रोटेट होता है तो वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मोशन एक साथ आ जाते हैं, तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता हुआ जा रहा है तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मोशन कॉम्प्लेक्स हो गया। इससे हम ये अज्यूम करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो सके कि फ्लूड ना, कि फ्लूड का फ्लो इररोटेशनल है, फ्लूड का फ्लो इररोटेशनल है। ये बात समझ आई? देखिए, ये होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे रियल लाइफ में हम पानी के साथ खेल रहे थे, पानी के अंदर हमने किसी पार्टिकल को रखा, किसी पत्ते को डाला, तो वो पत्ता लीनियर डायरेक्शन में मूव होगा, सीधी लाइन में जाएगा, बगैर रोटेट हुए जाएगा, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वो रोटेट तो होता है, अलबत्ता रोटेट होने की वजह से हमारे कैलकुलेशंस काफी मुश्किल हो रहे हैं। आप लोग इंजीनियरिंग में उसको पढ़ेंगे कि अगर रोटेशनल फ्लो हो तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती है। यहां के लिए इतना काफी है कि रोटेशनल फ्लो वहां पर होना चाहिए, हम ये अज्यूम करते हैं। थर्ड चीज, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लो और फ्लूइड इज नॉन विस्कस, फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ही कम होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में फ्लो फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी मतलब क्या? विस्कोसिटी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि फ्लूइड का फ्लो का अपोजिशन हो। मतलब जैसे मैं क्या कैसे बताऊं, वाटर का देखिए हमने एक इंक्लाइन प्लेट ली है, उसके ऊपर वाटर का एक ड्रॉपलेट, ऑयल का एक ड्रॉपलेट, हनी का एक ड्रॉपलेट डाला, हम देख रहे हैं कि कौन सा सबसे पहले नीचे आता है। जो सबसे पहले नीचे आया मतलब उसका फ्लो बहुत ही आसान है। फ्लो आसान है मतलब क्या? मतलब यह है कि वो फ्लूइड कोई भी अपोजिशन नहीं दिखा रहा। देखिए होता क्या है, दिस इज द, मान लो ये ड्रॉपलेट है फ्लूइड का, हमने इसके ऊपर के सरफेस पर फोर्स अप्लाई की, ये ऊपर का सरफेस आगे मूव कर गया, ये नीचे वाला थोड़ा सा आगे आएगा, ये और आगे आएगा, ये और आगे आएगा, यहां तक कि लास्ट वाला लेयर बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। ये लेयर ऊपर वाली लेयर को जितना ज्यादा रेजिस्टेंस देगी फ्लो उतना मुश्किल होगा। अब ये उसको पकड़ के रख रही है भैया, तो आगे नहीं जा पा रही, आगे नहीं जा पा रही, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर दोनों के बीच में कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो ये बहुत ज्यादा आगे चली जाएंगी, मतलब फ्लो ज्यादा होगा। ये जो प्रॉपर्टी है जो हमारे फ्लूइड के फ्लो का अपोज करती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। इसको हमको आगे जाके डिटेल में देखना है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन में है। हम ये चाहते हैं कि फ्लूइड का विस्कोसिटी बहुत ही कम हो, इसका मतलब हमने उसको फोर्स अप्लाई की और वो फ्लो होने लग गया बिल्कुल अपोजिशन के बगैर। हम ये चाहते हैं आइडियल फ्लूइड ऐसा हो। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड ना नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम, इतनी जितनी जीरो हो जाए। फोर्थ, फ्लूइड का फ्लो स्टेडी होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो? मान ले ये हमारा एक पाइप है, ये हमारा एक पाइप है, हमने इस पाइप की इस पोजीशन को देखा, किसी इंस्टेंट पे वहां आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, किसी इंस्टेंट पे वहां आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही है। देखिए यहां वाला पार्टिकल आगे जाएगा, यहां आगे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, 0.5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। हम फ्लूइड के पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं, हम उस पोजीशन को देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। जैसे होता है ना कि किसी जगह पर पुलिस का चेक पोस्ट है तो वहां पे स्पीड का मेजरमेंट रखा गया है कि 30 किलोमीटर पर आर से ज्यादा की अगर स्पीड होगी तो आपको फाइन लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां आने के बाद स्पेशली इस बात का ख्याल रखेंगे यहां पे स्पीड 30 किलोमीटर पर आर ही हो, उससे ज्यादा उससे कम ना हो।
तो क्या होगा अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फाइन लग सकता है। इसलिए यहाँ पे हम इस बात की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आ रही हो, उसी तरह स्टेडी फ्लो के माने ये हैं, गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी तो 1 मीटर पर सेकेंड ही रहे, चेंज ना हो, आगे जाने के बाद बदलती है, कुछ भी होती है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता गिवन इंस्टेंट पे, गिवन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी ही होना चाहिए, ऐसा फ्लो स्टेडी फ्लो कहलाता है। तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लो। अगर किसी फ्लूड को हम आइडियल मानते हैं तो उसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली, वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या, उसकी डेंसिटी नहीं बदलना चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनरोटेशनल होना चाहिए, वो रोटेट ना हो फ्लूड। तीसरी उसकी प्रॉपर्टी, वो इन जो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो या नॉन विस्कस हो। चौथी प्रॉपर्टी क्या, कि उसका फ्लो स्टेडी हो, गिवन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें सॉलिड्स और लिक्विड या फ्लूड के बीच में, तो सॉलिड तो ऐसा सब्सटेंस है जो ना अपना शेप चेंज करता है ना अपना वॉल्यूम चेंज करता है, सब कुछ उसका सेम होगा। लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपना शेप चेंज करता है अलबत्ता वॉल्यूम चेंज नहीं करता, और गैस ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम भी चेंज होता है शेप भी चेंज होता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स और फ्लूड के बीच में। तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिए हैं, वहां पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहले तो हमने यंग्स मॉडुलस देखा, जिसके अंदर हम उसका लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ का तो सवाल है नहीं। अलबत्ता अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें सॉलिड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सी फोर्स है, ये उसके वॉल्यूम को कम करने की फोर्स है, तो हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव। अगर हम सॉलिड पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो वो कॉम्प्रेस हो सकता है। जनरली सॉलिड रिजिड बॉडी कंसीडर की जाती है, इसलिए वो कॉम्प्रेस नहीं होता। फ्लूड के केस में भी ऐसा ही है, हमने फ्लूड को इनकॉम्प्रेसिबल माना, इसलिए हम ये समझते हैं कि फ्लूड एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर आप उस पर कॉम्प्रेसिव लोड लगाएंगे, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अलबत्ता कॉम्प्रेस नहीं होगा। तो कॉम्प्रेशन के मामले में फ्लूड्स और सॉलिड दोनों भी एक ही तरह से बिहेव करते हैं। तो सॉलिड कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल कॉम्प्रेसिव फोर्स सॉलिड एक्सेप्ट करता है। क्या फ्लूड एक्सेप्ट करता है, फ्लूड भी कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सेप्ट करता है, फ्लूड भी कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सेप्ट करता है। वॉट अबाउट टेंसाइल फोर्स, वॉट अबाउट टेंसाइल फोर्स, सॉलिड तो टेंसाइल फोर्स एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लिक्विड, लिक्विड टेंसाइल फोर्स एक्सेप्ट नहीं करता। लिक्विड पे सिर्फ एक ही तरह की फोर्स आ सकती है, एंड दैट विल बी कॉम्प्रेसिव फोर्स। आप लिक्विड को एक्सपांड नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ कॉम्प्रेस कर सकते हैं अपने काम में लाने के लिए। अगर आप उसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई काम का बचेगा नहीं। तो हम यहाँ पे दूसरी चीज सॉलिड और फ्लूड के बीच का डिफरेंस ये याद में रखेंगे कि वहां पर टेंसाइल फोर्स चलती है, यहां पर टेंसाइल फोर्स काम नहीं करती। वॉट अबाउट शियर फोर्स, वॉट अबाउट शियर फोर्स, शियर फोर्स अगर हम सॉलिड को अप्लाई करें, अगर हम सॉलिड को शियर फोर्स अप्लाई करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर फोर्स, हमने क्या किया, ये हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर था, उसका बेस को फिक्स कर लिया और उसके अपर साइड पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की। हम ये देखते हैं कि सॉलिड शुरू में शियर फोर्स का अपोजिशन करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू, इंटरमोलिकुलर रिस्टोरिंग फोर्सेस वहां जनरेट होंगे, वो शियर होने का, अपने शेप को चेंज करने का अपोज करेगा। अगर उसका रेजिस्टिव फोर्सेस कम हो जाए तो सॉलिड डिफॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शियर डिफॉर्मेशन। ओके, तो सॉलिड के केस में ये है कि इट ऑफर्स शियर डिफॉर्मेशन, वो शियर डिफॉर्मेशन बताता है। अलबत्ता लिक्विड के केस में शियर डिफॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब ये है, शियर डिफॉर्मेशन मैं गलत बोल रहा हूं, लिक्विड के केस में शियर डिफॉर्मेशन का अपोजिशन नहीं होता। इसके माने ये हैं, अगर ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल हो, अगर थोड़ा सा हमने लिक्विड को शेप बना दिया, उसके ऊपर हमने शियर फोर्स अप्लाई की, तो ये जैसे ही शियर फोर्स अप्लाई की वैसे ही अपने आप को डिफॉर्म करने लगता है बगैर किसी अपोजिशन के। कोई अपोजिशन ही नहीं देता, आप उसको शियर डिफॉर्मेशन वाली फोर्स लगाओ, फॉरन डिफॉर्म होने लगेगा इनफाइनाइटली। तो शियर डिफॉर्मेशन फ्लूड के केस में बिल्कुल नहीं होता, ऑफर्स नो शियर डिफॉर्मेशन, वो शियर डिफॉर्मेशन बताता नहीं है। आप उसको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करो, शियर फोर्स, लिक्विड का स्ट्रक्चर आपके पास था, आपने उसको ऊपर से बस शियर फोर्स लगाई, वो खुद ब खुद फ्लो होने लगा जैसे वाटर। आपने उसको थोड़ी सी शियर फोर्स लगाई, बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन होने लगा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूड्स। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होंगी। हम अब बढ़ते हैं फ्लूड की तरफ, हमने आइडियल फ्लूड तो देख लिया, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज फ्लूड की।
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड. फ्लूड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट डज नॉट अपोज शीयर डिफॉर्मेशन. वो शीयर डिफॉर्मेशन का अपोज नहीं करता. आप उसको फोर्स लगाओ, शीयर फोर्स लगाओ, वो फॉरन डिफॉर्म होने लगेगा बगैर किसी अपोजिशन के. इस वजह से क्या होता है, दैट मीन्स इट डिफॉर्म इन्फाइनाइटली व्हेन सब्जेक्टेड टू शीयर फोर्स. अगर आप उसको शीयर फोर्स देंगे तो वो इन्फाइनाइटली डिफॉर्म होने लगेगा क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है ना. इस वजह से क्या होता है वो फ्लो होने लगता है. आप उसको शियर फोर्स लगाओ, वो फ्लो होने लगता है. क्यों फ्लो होने लगता है? क्योंकि उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है. उसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है फ्लूड की, वो जिस कंटेनर के अंदर रखा गया है उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है. ये तीनों प्रॉपर्टीज है फ्लूड की जिसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये जो गिवन सब्सटेंस हमारे पास है दैट इज अ फ्लूड. फ्लूड की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उसको शियर फोर्स देंगे तो वो डिफॉर्म होने लगेगा, इसका मतलब फ्लो होने लगेगा. इसलिए जिस कंटेनर में उसको रखा गया वो फौरन उस पूरे कंटेनर को एक्वायर कर लेगा. अगर लिक्विड है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और अगर गैस है तो वॉल्यूम भी चेंज होने के चांसेस है. सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा. अगर आपके जहन में इस चैप्टर के ताल्लुक से या इसके अलावा कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताएं. साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा. अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमको वो भी बताएं. हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, शेयर करके, अपने दोस्तों के साथ बताकर. हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए. हमको इसके बाद के लेक्चर में फ्लूड स्टैटिक्स शुरू करना है कि जब अगर फ्लूड रेस्ट में हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. हमेशा जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए.